नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम लोगों को मिलने वाली राहत का सिलसिला अब भी बरकरार है। शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 22 से 24 पैसे की कटौती हुई है, तो वहीं डीजल में 25 से 27 पैसे सस्ता हो गया है। बीते 10 दिनों में 9वीं बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय ने अपनी जांच में पाया है कि IL&IF ग्रुप को करीब 1080 करोड़ रुपए के 13 लोन बिना समुचित प्रक्रिया के दिए गए हैं। इसमें ABG ग्रुप के प्रमोटर को दिया 29 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन भी शामिल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रिजर्व बैंक से निर्यात क्षेत्र के लिए 25 अरब डॉलर की ऋण सहायता की व्यवस्था करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दर लंदन अंतरबैंक ब्याज दर से ज्यादा 2% ऊपर होनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई से अपने होम लोन की ब्याज दर को रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा की है। बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 1 जुलाई से रेपो रेट से जुड़े होम लोन की पेशकश की जाएगी। सरकार ने आगामी पूर्ण बजट 2019-20 के लिए आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह सुझाव 20 जून तक भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव सरकारी वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।